नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा और तुसी देख रहे हो पब्लिक दलासा चैनल। अज असी आए हैं पंजाब लोक कांग्रेस के पहले जनरल सैकटरी बने अजय कपूर पंच रतन वाले। अज असी उन्होंने गलबात करांगे और जानांगे कि किस तरह बीजेपी के नाल समझौते तो बाद टिकटों का बंटवारा होने जा रहा है, किन्नी सीटा ते पंजाब लोक कांग्रेस लड़ेगी, किन्नी सीटा ते भाजपा लड़ेगी, कुछ इस तरह के सवाल करांगे और नाल जानांगे अगली रणनीति बारे। सब तो पहले तो कपूर साहब असी जानना चाहते हैं कि तुहानू पहला जनरल सैकटरी बनाया पंजाब लोक कांग्रेस वालों, हूँ तो तुहाडा चुनाव चिन्ह भी आ चुका है हाकी ते बॉल। सब तो पहला सवाल ही है कि जिहड़ा टिकटां दा बंटवारा होना है वो तुहाडे हिस्से च किन्नी टिकटां आणगीआं? राजेश अरोड़ा जी, पहले तो मैं पब्लिक दिलासा नूं बहुत मुबारकबाद देना और धन्नवाद करना कि मैनू इस चैनल ते आण दा मौका दिता। हुण इस वेले जिहड़ी रणनीति चल रही है, जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन कीता कि जिहड़ा साडा बीजेपी ढिंडसा जी पंजाब लोक कांग्रेस का संगठन बनया, ये हुण पूरी तैयारी च अपनी टिकटां दे बंटवारे और जिन्नियां दूसरी पार्टियां दे नुमाइंदे अज भी 8-10 नुमाइंदे ज्वाइन किए हैं और ये जिहड़ी सियासी हलचल बहुत ज़्यादा गर्म भी फट जानी 2 दिनों दे विच। तुसीं पुछिया टिकटां दा बंटवारा, देखो जी एक संगठन ऐसा बनन आएगा सेंटर दे नाल जिहदे नाल पंजाब दी एक ऐसी हिस्टरी लिखी जाएगी कि हुण तां सेंटर दी सरकार प्लस साडे कैप्टन साहब प्लस ढींडसा साहब दे नाल असी मिल के जिन्ना पंजाबियों नूं पहले कोई इहो जिहे दुख दर्द रहे है कि पंजाब दी तरक्की नहीं होई, खुशहाली नहीं होई, मैडिकल नहीं ठीक रहा, बेरोजगारी नहीं ठीक रही, तो उस दे वल बहुत ध्यान देंगे। हुण आ जांदी गल, तुसीं जरा क्वेश्चन पुछिया टिकटां दे बंटवारे च, देखो ये मीटिंग चल रही है, अज कैप्टन साहब ठीक हो जाएंगे, परसों की मीटिंग दे विच फाइनल हो जाएगा। तिन्ना दे अलायंस नाल साडी वह पार्टी नहीं आएगी कि एक बंदा बोली जाएगा दूसरे सुनी जाएंगे कि या बहुत ज़्यादा इहो जिहा ज़्यादा बोल जाना कि जिद बाद प्रोमिस पूरे ना कर सकी। सो टिकटां दे बंटवारे की गल है कि जिथे हाईकमान लगे हुए हैं सारे, हाँ तीनों धड़े खुश रहेंगे और पब्लिक वास्ते, पंजाब की पब्लिक वास्ते बहुत वधिया एक सिनेरियो बनेगा, बहुत वधिया टिकटां दा बंटवारा होएगा। ये मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि अगर गल करिए हिस्से की, 40 तो 50 सीटां कैप्टन साहब की पार्टी नूं मिलन की उम्मीद है? देखो जी बिल्कुल ठीक गल है तुहाडा, तुसीं लोग भी पत्रकार हो, तुसीं बिहार दे विच हर वेले बड़े एक्टिव रहिंदे हो, इन्नियां सीटां तो मिलनगियां ही, लेकिन जिहड़े चेहरे है या जिहड़ी सीटां दा बंटवारा है वह फिर असीं कहिंदे आ कि बिल्कुल तुहाडी जजमेंट ठीक है कि 40 तो 50 सीटां मिलनगियां, उहदे उत्ते आपां बिल्कुल डराए नहीं करते। हुण जिहड़े बंटवारे की गल है वह तो 1-2 दिन का तुहानूं इंतजार करना पएगा, आपां दस दिया डर है कि हाँ जी वह सामने लड़े जाण नहीं, तो आपां एक चेहरा इहो जिहा मतलब कि सैलीब्रिटी सामने भी रखांगे कि सिद्धू साहब नूं भी पता चल जाए कि कोई पंजाब लोक कांग्रेस का जिहड़ा संगठन होया उहदा जवाब उहनां नूं ठीक मिलेगा। यानी कि यह खुल के मान लीए कि सिद्धू साहब नू चुनावी रणनीति च बनना ही तुहाडा सब तो पहला काम होएगा? देखो जी पार्टी मुताबिक तो एक एक सीट का यहो जिहा सिस्टम होना चाहिए कि एक एक सीट जितनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी नू भी कहने वास्ते हाँ यह जरूर है कि किसी पार्टी के मुड करके हूँ असं अपनी पार्टी के मुड की गल करिए तो जित तो सानू चाहिए है, तो वो हार भी सानू मंजूर नहीं होंगी। यह चीज़ा तो पक्या होंगे कि जेरा बंदा चेहरा सामने होंगे तो सामने चेहरे का मुकाबला भी उस चीज़ का किया जाता है ना। ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀ ਐੱਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਭਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 2,000 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਲੀਪੋਪ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ
कम करके दिखाने की और हर चीज़ का इंतजाम होंगे और तत् बोलिया जाता है। ये तो सब एवं है कि मैं 1000 रुपया देंगा तो मैं 5000 देंगा विद्यार्थियों को कुछ देंगा उन्होंने देंगा, ये करके दिखाने वास्ते एक बहुत ज़्यादा पार्टी के पिछे संगठन चाहिए और संगठन नरेंद्र मोदी जी है ही है। उन्होंने हूँ भी नाराज नहीं करना पंजाबियों, लेकिन आने वाला मौका जिस वे उन्होंने मिलेगा एक चाहे कोई भी पब्लिक होगी पंजाब की वह हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग में कोई झूठी कमिटमेंट नहीं की जाएगी। ये चुनावी मैनीफेस्टो होंगे है लेकिन वो किन्ने पूरे होंगे है, लेकिन हूँ एक संगठन ऐसा बनया कि जरा वाकई बैकअप के नाल आएगा और जो कहेगा वो करके बागी होए है। इन्हों की यही चाल रही है कि आप कैप्टन साहब को काम करन दईए ही ना। फिर कोविड आया बिल्कुल जिम्मेवार है, कोविड के सारे ने प्रकोशन लीती है, लेकिन एक आ जे 8-10 बंदे जे साढ़े माझे दई है इन्होंने उन्होंने काम करने के लायक छड़िया ही नहीं सी। हर वेले कुछ ना कोई बोल पैना, दो जो सिद्धू साहब की गल की 2 साल अज्ञातवास हो जाना, कभी कोई पंगा लल्ला ना कभी कोई पंगा लल्ला, तो पंगिया करके किसी कोई भी सेंटीमेंट नहीं जुड़ते पाए हो, फिर नुकसान सिर्फ अपना पार्टी का और बजाय अजे कि जनता का होगा, तो उन्होंने नहीं कर दिता काम इन्होंने। कैप्टन साहब ने अमृतसर लोग सभा तो भी चुनाव लड़े और जीत भी प्राप्त की, बहुत व्डे उम्मीदवार अरुण जेटली जी ने हराया। अमृतसर की गल करिए, अमृतसर के 11 हल्कियां चो पंजाब लोग कांग्रेस में किड़े किड़े ऐसे चेहरे ने कांग्रेस के खासकर जोड़े कि आ सकते हैं पंजाब लोग कांग्रेस के नाल? सर पंजाब लोग कांग्रेस के बस तुम्हें मैं कहने के मुताबिक अज देखो अज अगर मैं अरविंद खन्ना जी बहुत चंगे है और अज तनवीर सरीन जी भी ज्वाइन कर गए है टोड़ा साहब, भाजपा च गए पंजाब लोग कांग्रेस के लुभावने चेहरे सिर्फ एक 2 दिन की गल है। यह सब इन्हों अपने आप के एक योजे हो रहा है कि पहल कौन करे, पहल करन की खातर ही सारे एक दूसरे के मूँह वाल तकते पे तो वीरवार तक पता चल जाएगा कि किन्ने चेहरे अपना कैप्टन साहब के नाल चलने तैयार हो जाएंगे। और हर बंदा यही कहता कि मैनू भी लो मैनू भी लो, लेकिन उस चीज़ को जो खता खा चुके उस चीज़ का जवाब मांगते हैं कि भाई सज्जनों पहले मेरी स्क्रीनिंग होएगी फिर मैं सोचा, आने सारे तैयार बैठे हैं। और मार्केट की तुम्हें भी अफवाह होनी है कि लो जी फलाना जा रहे फलाना मंत्री जा रहे फलाना मंत्री जा रहे, हूँ किस वेले इन्होंने चुकना है क्योंकि हले तक ना कांग्रेस की सीटा अलॉट हुई तो ना इधर बीजेपी दी हुई ना उदियाँ, सारे जने एक इंतजार के उत्ते लगे है कि कोई नहीं केड़ा केड़ा समीकरण किस वेले इन्होंने पकड़ना, ये सारे एक दूसरे को देख के जिंदा है। नहीं कपूर साहब का मान के चलीए कि जदों टिकटा अनाउंस हो जाएगियाँ कांग्रेस दियाँ ते या होर पार्टियां दियां ते पंजाब लोग कांग्रेस जिहड़ी है वेट कर रही है जिन्होंने टिकटां ना मिलन उन्होंने लैके अपनी पार्टी चा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होंदा है। देखो एक तो पहली लोकतंत्र है ना, उन्होंने कहना है कि जिन्होंने टिकटां नहीं मिली सी उन्होंने लईए, लेकिन हर कैंडीडेट की एक भावना जुड़ी हुई है जिस करके उन्होंने यह चीज़ जरूर होगी कि मैं अपनी अपनी होंद बचाते हुए इस वे मैं की ठीक रहेगा, उन्होंने यह ठीक लगेगा कि मैं कैप्टन साहब चला जावा तो आ मेरी पार्टी ने मेरी की रखत रखी है तो आने वाले 5 सालों के मैं पब्लिक की मूँह लैके जाना, फिर वो पंजाब लोग कांग्रेस जाएगा उस तरह कोई दागी चेहरा उस तरह नहीं कोई ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। चर्चा तो यह भी है कि जिनी कि कांग्रेस की बी टीम है वो रेडी है पंजाब लोग कांग्रेस या दूसरी पार्टी जाने वास्ते, क्या पंजाब लोग कांग्रेस के नेतागण भी यही वेट इंतजार च ने कि जो उन्होंने टिकटा अनाउंस हो उस तो बाद इतने पत्ते खोले जान? नहीं जी ऐसे समीकरण पालन वास्ते मेरे को पार्टी के नुमाइंदे खड़े हैं, अगर कोई फैसला बीजेपी के सीटा दे भी जाता है तो सानू चलने कोई ना तो नहीं होएगी क्योंकि काम तो थले बेस से भी तो करना ना वर्कर करना है, बूथ संभालने हैं घर घर जाना है, हूँ तो हले भी टाइम भी थोड़ा रह गया और उस करके तैयारी पहले करनी पैंती है, उस तैयारी करके सारे सारिया वार्डों के एक एक बंदे खड़े है, कोई गल नहीं पार्टी जो कहेगी आप उस तरह काम करना ही है। बीजेपी को संगठन है 85 वार्डों च उन्होंने उन्होंने कार्यकर्ता है, लेकिन पंजाब लोग कांग्रेस इन्होंने 85 वार्डों च और हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता संगठन कैडर कितों लियाएगा? सर ऐसी गल कोई नहीं होंगी है, देखो जी रीढ़ की हड्डी जरा वर्कर है उन्होंने भी इंतजार रहा है कि मैं कितने इज्जत समान मिलना है। देखो काम करने वाले उ लोग होंगे है जिन्हें करके हर पार्टी और हर घर चलता है, इसे कर करके अगर यह ना सोचो कि साढ़े को मतलब कि पार्टी के सामने नहीं गए तो वर्कर साढ़े को नहीं गए, हर बूथ के उत्ते वर्कर तैयार है, हर लिस्टा तैयार होंगे, एवें नहीं समीकरण बनते वक्त आने उत्ते सब कुछ खोलिया जाता है और कोई भी घट करने की कोशिश नहीं करता, इस करके बीजेपी प्लस पंजाब लोग कांग्रेस है तो एक अभी तो कह रहे फिर तो डबल हैट्रिक बजेगी ना कि हाँ भी दोनों वर्कर इकट्ठे होकर पूरा जोड़ लगाएंगे तो बाकियों का सफाया करके पंजाब ने एक अच्छी सरकार देंगे। एक आखिरी सवाल, पंजाब लोग कांग्रेस के जनरल सैकटरी हो, पंजाब के पहले जनरल सैकटरी बने हो, कि समझते हो कि जोड़ा चुनाव लड़िया जाएगा कैप्टन साहब का बीजेपी बीजेपी के नाल टिंडसा साहब की पार्टी
ये रिजल्ट किस तरह से देखते हो भी किस तरह की लड़ाई देने तुसी कामयाब होवोगे? सर फिर ये संगठन एक ऐसा ही साबित कर देगा हिस्ट्री कि कैप्टन साहब ने जो सोचा है और बड़े माहिर है अपनी पारी हर खेलन दे विच बहुत सोच समझ के और डिसीजन करते हैं। सेम बीजेपी की भी कोई ऐसी हिस्टरी नहीं रही कि वह कितने भी तीर कल्ला चलाने की बजाय अगर तीन जने लैके चले है उन्होंने उस तो वधिया रिजल्ट देने हैं। तो वो उस चीज़ को देखते हुए आपाब की यहोजी सरकार बना के लोगों के हितकारा करके आने वाले टाइम के साल अगर कैप्टन साहब वाकई किन्निया पारियां खेल चुके हो तो सबनों पता है, लेकिन जेरी उन्हों की पारी खेली होंगी है फिर बाद लोग याद जरूर करते हैं कि हाँ जी कैप्टन साहब ने हूँ तो बीजेपी नाल है हूँ तो रणजीत साहब नाल है। ये तो कहने की गल ही कोई नहीं गी, सिर्फ सरकार यहोजी बनेगी कि आने वाले पांच साल लोगों हर तरह की खुशी प्लस कोई नहीं कहेंगे कि अभी कोई डिसीजन गलत किया। कैप्टन साहब बहुत माहिर अपने काम के और कैप्टन साहब ही सरकार बना कैप्टन साहब ही सरकार बनाएंगे बड़े माहर ने कई पारियां राजनीतिक तौर पर खेड चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और अजय कपूर जी ने उन्होंने पूरा भरोसा है कि आने वाली जी पारी खेलन जा रहे ने वो बड़ी कामयाब पारी होएगी। मैं राजेश अरोड़ा कैमरामैन जतिन के नाल पब्लिक दलासा चैनल अमृतसर।